Hey guys, welcome back to the channel. और बात करते हैं मार्केट क्रैश की, मार्केट क्रैश हुआ क्यों है। कल हम लोग लाइव में बात कर रहे थे तो बिटकॉइन का प्राइस था अराउंड 5,100-5,200। आज सुबह मैं उठ के देख रहा हूँ तो 5,000 के नीचे गया, मतलब $4,800 के आसपास आ रहा है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है, शायद इसकी वजह से हुआ है। तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, 3 reasons, 5 reasons, बट मुझे जो इमीडिएट रीजन लग रहा है इस क्रैश का वो है नथिंग बट फाइट बिटवीन बिटकॉइन कैश सतोशी विजन एंड बिटकॉइन कैश एबीसी वर्जन, बेसिकली फाइट बिटवीन रॉजर वे एंड क्रेग राइट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इमीडिएटली आपको बता देता हूँ। आप कॉइन मार्केट पे जाओगे और पूरा ऑब्वियसली बिटकॉइन का मार्केट देखते हैं तो 4749 बाय द वे आ गया, एंड ऑब्वियसली बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज भी ऑलरेडी डाउन है ऑलमोस्ट 13%, 42% BCH डाउन तो होना ही था। ऑब्वियसली मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड, बट जब आप देखोगे BTC का प्राइस का, इनफैक्ट ये फॉल होना चालू हुआ है, इतना टाइम क्यों लग रहा है ओपन होने में। तो BTC का अगर चार्ट देखोगे लास्ट 7 days का, आज क्या रेट है, आज है 20, मतलब 15 तारीख को फोक हुआ था। अगर आप देखोगे तो 14 तारीख को ही सबसे बहुत बड़ा गिरावट आई थी मार्केट में, जो 6,300 से पहली बार, मतलब बिटकॉइन काफी टाइम के बाद 6,000 को भी क्रॉस करके 5 की रेंज में आ गया था, जो अब तक नहीं हुआ था। कब हुआ वो, हार्ड फोक के पास मास हुआ, तो अभी हो गया है 4,800। और हो सकता है कि और भी नीचे मार्केट गिरे, जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे लाइव पे, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जो बट जो इमीडिएट रीजन लग रहा है मुझे वो लग रहा है फाइट। और मैं उसके कुछ आपको बता दूं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो बिटमेक्स रिसर्च, बिटमेक्स जो एक्सचेंज है, तो यहाँ पे बिटमेक्स ने एक रिपोर्ट डाली है जो बेसिकली बता रहा है कि जो बिटकॉइन कैश, जो रॉजर वे की टीम है और जो क्रेग राइट बिटकॉइन सतोशी विजन, कितना लॉस कर रहे हैं अपनी ब्लॉकचेन, अपनी चेन मेंटेन करने के लिए, अपने कॉइन मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअली 16th की है, बिटकॉइन कैश एबीसी, यहाँ पे माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड 1 million और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट लॉस 364,000। अभी यहाँ पे नवंबर 17 की देखोगे 524 million का लॉस बिटकॉइन कैश एबीसी और एसवी को 547, मतलब दोनों के दोनों चेन। अभी जो रिपोर्ट रिसेंटली आई है 17 और यहाँ पे देखते हैं 11 hours पहले डाला है उन्होंने, ऑलमोस्ट 3 million का लॉस किया है बिटकॉइन कैश एबीसी ने और 2 million का लॉस किया है बिटकॉइन कैश सतोशी विजन ने माइनिंग में। क्यों लॉस किया है, क्योंकि ये अपना चेन मेंटेन करना चाहते हैं। और ये लॉस कवर कहाँ से करेंगे गाइस, ये लॉस कवर करेंगे अपनी BTC जो उनके पास है वो बेच के, मे बी ऑफलाइन ट्रेडिंग, राइट, मे बी एक्सचेंज पे बेच रहे हैं, मे बी कहीं पे भी, तो इन लोग लिक्विडेट कर रहे हैं। ये जो लॉस कर रहे हैं इनको कहीं से तो इनकम करना है, एंड ऑब्वियसली ये इनका जो ड्रामा है बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, इनको इतना ये लो रोज के रोज लॉस इनकर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इनको स्टॉप करना पड़ेगा। बट जहाँ तक ये लोग स्टॉप नहीं कर सकते, मेरे को लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा मार्केट पे इन लोग इफेक्ट करते ही रहेंगे। मुझे नहीं पता कि मार्केट कितना तक गिराएंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है अपने ईगो, अपने पावर के मेंटेन करने के चक्कर में इन लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ ट्वीट, आई एम नॉट श्योर आपने अगर पहले मैंने इस पे वीडियो कवर किया था, जो कुछ ट्वीट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रेग राइट की, अगर क्रेग राइट की आपको ट्वीट याद होगा तो उसने पहले भी लिखा था कि टू ऑल BTC माइनर्स, इफ यू स्विच टू BTC टू माइन BCH वी मे नीड टू फंड, और उन्होंने इनफैक्ट धमकी दी थी कि BTC विल गो टू $1,000 ऑल्सो, पहले भी इन्होंने धमकी दिया था। इसके अलावा रॉजर वे जो bitcoin.com ओन करते हैं, उनका अगर हैश पावर देखोगे तो BCH के ऊपर पूरा इन लोग, इन्होंने हैश पावर डाल दिया है, डिस्पाइट कि इतना लॉस हो रहा है जो हम लोग ने बिटमेक्स की रिपोर्ट में देखा। तो दोनों के दोनों पूल लॉस में माइंड कर रहे हैं, और लॉस में माइंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो उनको कवर करना है पैसे। तो यहाँ पे देख सकते हो BCH से निकाल के BCH को हैश पावर दिया है 4024, जबकि BTC को सिर्फ दिया है 235, जबकि इनके लिए प्रॉफिटेबल आज के डेट में BTC होगा,
पर फिर भी PCH माइन कर रहे हैं बिकॉज ये उनकी खुद की चेन मेंटेन करनी है, उनको अपनी इज्जत बचानी है। और इसके ऊपर क्रिक राइट ने भी कमेंट किया कि कम ऑन रॉजर, कीप बर्निंग, वी डू नॉट वांट टू गेट अहेड जस्ट येट। इन्होंने बेसिकली कमेंट किया है कि रॉजर वेयर जो तुम भी कर रहे हो, मतलब जो हैश पावर डाल रहे हो, नुकसान कर रहे हो, बोल रहे हैं आप कीप बर्निंग करो क्योंकि मैं भी गिव अप नहीं करूंगा। तो रिसेंटली आप क्रिक राइट की देखोगे ट्वीट, सो ये देखो, इफ यू आर हियर टू ट्रेड और फॉर क्रिप्टो एंड लैम्बो होटल आई एम योर वर्स्ट नाइटमेयर। तो खुली खुली धमकी दे रहे हैं क्रेग राइट का। आई थिंक मेरे को लगता है कि वो आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ये इनकॉग्निटो विंडो में देख रहा हूँ मैं। तो इनका यही मकसद है कि नो हम लोग लॉस में माइंड करेंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग ABC जो चेन है उसको अबंडन नहीं होने देंगे, ये इन लोग का है। जैसे मैंने बताया ये बहुत देर तक नहीं चल सकता, आई एम श्योर मार्केट कम बैक करेगा, इन लोग गिव अप करेंगे बाद में। एंड आई एम श्योर आप कुछ भी क्या कैटलिस्ट हो सकता है, क्यों मार्केट वापस फिर से आ सकता है, कभी भी आएगा कि नहीं, कि ऐसे मार्केट चलेगा, मुझे डेफिनेट लगता है कि मार्केट आएगा। अब कितना आएगा वो नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे स्पेशल इवेंट है, जैसे फिडेलिटी लॉन्च करने वाला है बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके अलावा आपको बैक का तो पता ही होगा, इसके अलावा एक नई भी कंपनी है जो बोलते हैं एरिस एक्सचेंज भी फ्यूचर ट्रेडिंग में डेरिवेटिव्स जो अभी ट्रेड कर रहा है वो बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में भी होने वाला है। तो अगले साल तक बहुत सारे गुड न्यूज हैं, आई थिंक मार्केट विल कम बैक, बट गाइस कितना कम बैक करेगा दैट स्टिल वी हैव टू सी कि कितना कम बैक करता है, बट आई एम श्योर मार्केट विल कम बैक फॉर श्योर। ऐसे मार्केट नहीं होने वाला है, ये जो लॉस करके माइनिंग करने कहीं ना कहीं तो स्टॉप कर सकते हैं, और हमने देखा है कि क्रिप्टो को मार्केट को ऊपर आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुछ भी होता है, यही अनप्रेडिक्टेबल, क्रिप्टो मार्केट डाउन भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। डेफिनेटली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का मार्केट क्रैश हो रहा है और कितना जाएगा, डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूँगा, डेफिनेटली कॉमेंट करना और मुझे डेफिनेटली बताना कि आपके विचार क्या हैं मार्केट में, कब तक मार्केट आने के चांसेस हैं और कितना डाउन जाने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो तो, एंड आई विल सी यू ऑन द लाइव इन। टेक केयर, बाय बाय।